नगर निगम दुर्ग का तीसरे दिन भी काम काज ठप रहा। 5 दिवसीय हड़ताल को लेकर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, निराश्रित पेंशन, प्रधानमंत्री आवास सहित अन्य सुविधा व मरम्मत कार्य हो रहे हैं प्रभावित। नगरपालिक निगम दुर्ग के कर्मचारी और अधिकारी ने बुधवार को निगम मुख्य कार्यालय में एकत्र होकर नारेबाजी की। राज्य सरकार के अड़ियल रवैये के तहत 25 जुलाई से 29 जुलाई तक अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के तत्वाधान में अधिकारी कर्मचारी काम बंद हड़ताल पर हैं। काम बंद हड़ताल के कारण नगर निगम दुर्ग की जनता के मूलभूत सुविधाएं, सड़क, नाली, पानी, बिजली जैसे कार्यों के कार्य बंद पड़े हैं। आम नागरिक नगर निगम दुर्ग में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, लाइसेंस, पेंशन, राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि जैसे कार्यों के लिए निगम कार्यालय पहुँच रहे हैं, परंतु नगर निगम दुर्ग के समस्त कार्यालय बंद होने के कारण उनके कार्य नहीं हो पा रहे हैं। गौरतलब है कि अपनी मांगों को लेकर 5 दिवसीय आंदोलन के तीसरे दिन दुर्ग नगर निगम में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। इस अवसर पर कर्मचारी संघ के अध्यक्ष शिव शर्मा, महामंत्री अनिल सिंह व दुर्गेश गुप्ता सहित कर्मचारी पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से एक स्वर में बताया कि राज्य सरकार के द्वारा कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने बताया, राज्य सरकार के द्वारा मंत्रीगण, विधायकों का मानदेय और भत्ता में बढ़ोतरी कर विधानसभा के पहले ही सत्र में उसे स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। प्रदेश के मुखिया अपने मंत्री और विधायकों को भत्ता एवं अन्य सुविधाएं देने के लिए तैयार हैं, परंतु कर्मचारियों को केंद्र के समान 34% डीए एवं गृह भाड़ा भत्ता देने के लिए तैयार नहीं है। हम अपनी मांग पर अड़े रहेंगे। हमारी मांग जायज है। हम अपना अधिकार मांग कर रहेंगे। मौसम की जरूरत नहीं पड़ेगी तो जो डीए हम मांग कर रहे हैं वो हमको दे दिया जाए तो उसका मतलब है वो चुनावी ये सब नहीं है कि चुनाव आएगा तो डीए देंगे और हम कर्मचारी खुश हो जाएंगे। ये सरकार स्पष्ट जान ले कि देश तिथि से ही हमको महंगाई भत्ता चाहिए, एचआर चाहिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।